वेलकम बैक गाइज. आई होप कि तुम लोगों ने सम्स जो है जो तुम्हें दिए थे वो सारे सॉल्व किए होंगे. नाउ वी विल सॉल्व टुगेदर. आई होप कि तुम लोग के सारे आंसर सही आएंगे इफ यू आर कंसेप्चुअली स्ट्रांग इनफ. ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, जीरो यूनिट पे दिया हुआ है. टोटल कॉस्ट जीरो यूनिट पे कितना है? 1000 है. एंड फिक्स्ड कॉस्ट हमें ढूंढना है 10 यूनिट्स पे. सबसे पहले टोटल कॉस्ट जीरो यूनिट पे दिया है, दैट इज नथिंग बट व्हाट. जीरो यूनिट पे हमें क्या मिलता है? टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट जीरो यूनिट पे कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है. वी ऑलरेडी नो टोटल कॉस्ट 1000 है, तो फिक्स्ड कॉस्ट विल बी हाउ मच. तो फिक्स्ड कॉस्ट एट जीरो यूनिट वी ऑलरेडी नो कि इट विल बी 1000. वो फिर 10 यूनिट पे हो या फिक्स्ड कॉस्ट एट 10 यूनिट्स पे हो, इट विल रिमेन द सेम. तो यहां पे आंसर विल बी 1000. पहला क्वेश्चन क्लियर, डन. नाउ विल गो अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन. यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वॉन्ट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन. बट आई होप कि तुम लोगों ने खुद से ही सारे आंसर सॉल्व किए रहेंगे, सो यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन एंड तुम्हारे आंसर सही आ रहे होंगे. चलो पहला हो गया. सेकेंड में क्या है? सेकेंड है व्हेन टोटल कॉस्ट एट जीरो यूनिट दिया हुआ है. टोटल कॉस्ट जीरो यूनिट पे दिया है 1000. वेरिएबल कॉस्ट 5 यूनिट्स पे दिया है 200. एंड यू नीड टू फाइंड आउट एवरेज टोटल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स. अभी ध्यान देना, टोटल कॉस्ट 0 यूनिट 1000, यानी कि हमारा फिक्स कॉस्ट विल बी 1000 जीरो यूनिट पे. ये तो समझ गया. वेरिएबल कॉस्ट वो जीरो यूनिट पे भी उतना ही रहेगा, 5 यूनिट्स पे भी उतना ही रहेगा. 5 यूनिट्स पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी ऑलरेडी नो 200 है, तो हमारा टोटल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स कितना आएगा? जो हमारा फिक्स कॉस्ट एट 5 यूनिट्स है प्लस वेरिएबल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स. फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 5 यूनिट्स पे? 1000 है. वेरिएबल कॉस्ट इज 200, सो विल गेट द आंसर एज 1200. वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज, बट देयरफॉर एवरेज विल बी हाउ मच? एवरेज टोटल कॉस्ट विल बी हाउ मच? जो तुम्हारा टोटल कॉस्ट है दैट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट और यूनिट्स. टोटल कॉस्ट कितना है हमारा? 1200. टोटल प्रोडक्ट कितने हैं हमारे? 5 है. सो दिस डिवाइड बाय दिस आंसर विल बी 240. आई होप यू आर डन विद द आंसर्स. डन, सेकंड डन. नेक्स्ट थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है टोटल कॉस्ट एट जीरो यूनिट्स आर 500. एवरेज टोटल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स इज 500. फाइंड आउट द वेरिएबल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स. नाउ टोटल कॉस्ट जीरो यूनिट पे जो है वो 500 है. जो टोटल कॉस्ट जीरो यूनिट पे होगा वही फिक्स कॉस्ट होगा, तो फिक्स कॉस्ट हमारा है 500. नाउ उसके बाद हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कितना है? 10 यूनिट्स पे 500 है. वी नीड टू फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स दैट टू. अभी ध्यान देना, फिक्स कॉस्ट जो तुम्हारा जीरो यूनिट पे है वही फिक्स कॉस्ट तुम्हारा 10 यूनिट्स पे भी होगा, तो यू ऑलरेडी हैव योर फिक्स कॉस्ट विद यू. बट हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है एवरेज. अब एवरेज सपोज मान लो एवरेज फिक्स कॉस्ट सबसे पहले अगर मैं निकालती हूं, एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना? एवरेज फिक्स कॉस्ट विल बी 500 डिवाइडेड बाय एवरेज 500 डिवाइड बाय 10. दैट इज नथिंग बट 50 विल बी योर एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज एट 10 यूनिट्स. नाउ यू ऑलरेडी नो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तुम्हारा तरीका अलग भी हो सकता है सॉल्व करने का, ऐसा मत समझना. फाइनल आंसर तक वेट करना, ठीक है? थोड़ा सा और भी मतलब होता है ना, एक तरीके से सिर्फ आंसर नहीं आते मैथमेटिक्स में. तुम बहुत सारे डिफरेंट वेज से आंसर निकाल सकते हो, तो दिस इज माय मेथड. तुम दूसरा ढूंढ सकते हो, बस फाइनल आंसर तक वेट करना. आई होप कि तुम लोग का और मेरा मैच हो जाएगा. चलो ATC कितना है? 500 है. एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? वो हमें मिल चुका है 50. नाउ वी नो कि यहां पे क्या है, तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है वो हमें नहीं पता है. तो वी गॉट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एज हाउ मच? 450. वी वॉन्ट 10 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट, सो वी कैन डू लाइक दिस. वेरिएबल कॉस्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन टू यूनिट्स, दैट मीन्स हाउ मच? 450 इंटू 10, दैट इज 4500 विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स. आई होप यू गॉट इट एंड तुम्हारा आंसर भी सेम होगा. तो वीडियो को पॉज कर देना इफ यू वॉन्ट टू राइट इट डाउन. नेक्स्ट क्या है? ये है नेक्स्ट क्या है. टोटल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स टोटल कॉस्ट एट 10 यूनिट्स इज 2000. ठीक है, टोटल कॉस्ट 10 यूनिट्स पे 2000 है. वेरिएबल कॉस्ट 10 यूनिट्स पे 1000 है. यू नीड टू फाइंड आउट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट.
अब यहाँ पे देखो तुमको फिक्स्ड कॉस्ट सबसे पहले तो ढूंढना होगा. फिक्स्ड कॉस्ट कैसे ढूंढोगे, यू ऑलरेडी नो 10 यूनिट्स पे तुम्हारा वेरिएबल कितना है, फिक्स्ड कितना, टोटल कितना है. तो टोटल विल बी एट 10 विल बी फिक्स्ड कॉस्ट एट 10 प्लस वेरिएबल कॉस्ट एट 10. सो टोटल कॉस्ट इज 2000 इक्वल टू 1000 x + 1000. सो यू विल गेट x, दैट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट एज 1000. अब ये जो 1000 है ये 10 यूनिट्स पे हो या 5 यूनिट्स पे हो सेम रहेगा. वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 1000 डिवाइड बाय 5 बिकॉज वी वांट टू नो फिफ्थ यूनिट पे कितना है. तो फिफ्थ यूनिट पे कितना आएगा, 200. डन. नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट आता है क्या, टोटल कॉस्ट एट 1 यूनिट इज 2000. चलो क्या है, 1 यूनिट पे क्या दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, एमसी ढूंढना है तुम्हें. अभी ध्यान देना, मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है. मार्जिनल कॉस्ट यानी कि क्या, जो तुम्हारे फर्स्ट यूनिट पे जो तुम्हारा टोटल कॉस्ट है दैट माइनस जो तुम्हारा टोटल कॉस्ट जीरो यूनिट पे आए. सबसे पहले जीरो यूनिट पे तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना आएगा, उतना ही जितना तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट होगा एट 1 यूनिट. व्हाई, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट ही तुम्हारा टोटल कॉस्ट होता है एट जीरो यूनिट. तो टोटल कॉस्ट विल बी 1000. टोटल कॉस्ट एट 1 यूनिट इज हाउ मच, 2000. तो तुम्हारा जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल 1 यूनिट एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, 2000 माइनस 1000, दैट मीन्स 1000 एट 1 यूनिट. इज दिस क्लियर और नॉट, इज दिस क्लियर और नॉट. डन. आई होप 1000 इज योर आंसर एज वेल. नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है फिक्स्ड कॉस्ट एट 100 यूनिट इज 20,000. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 200 यूनिट्स इज 1000. मार्जिनल कॉस्ट एट सेकंड यूनिट ढूंढना है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट एट सेकंड यूनिट इज गिवन एज 200. फाइंड द टोटल कॉस्ट एट 200. अब यहां पे क्या करना है, टोटल कॉस्ट ढूंढना है 200 यूनिट्स पे. अभी सबसे पहले 200 यूनिट्स पे और हो या 100 यूनिट्स पे हो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम. करेक्ट, फिक्स कॉस्ट एट 200 यूनिट विल बी द सेम एज फिक्स कॉस्ट एट 100 यूनिट्स. करेक्ट. तो अभी यहां पे 200 यूनिट्स फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, 20k. अभी फॉर फाइंडिंग आउट टोटल कॉस्ट एट 200 यूनिट्स वी नीड टू फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट एट 200 यूनिट. पहले वेरिएबल कॉस्ट 200 यूनिट पे कैसे निकालोगे, यू ऑलरेडी हैव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 200 यूनिट्स का. तो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 1000 इंटू 200, दैट मीन्स 2 लाख. सो योर टोटल कॉस्ट विल बी 2,20,000. आई होप यू आर क्लियर विद द आंसर. डन. नेक्स्ट ये जो है ये तुम लोगों को उल्लू बनाने के लिए दिया हुआ है. एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत सारे सम्स ऐसे भी आएंगे जिसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी होगी. सो यू डोंट नीड टू यूज दिस इन्फॉर्मेशन. तुमको पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसके साथ एडिशन इसका करने के बाद ये आएगा, इसके साथ ये डिविजन करने के बाद ये आएगा. ये तुम लोगों को पता होना चाहिए क्लियरली कि किसके साथ क्या करने के बाद क्या होने वाला है रिएक्शन. तो यहाँ पे 2,20,000 इज योर आंसर एंड ये तुम लोगों को ऐसे ही दिया हुआ एक्स्ट्रा का इन्फॉर्मेशन है, डोंट यूज इट. ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, बच्चा उसको उसके बारे में सोचता है और फिर पता नहीं सीधा सीधा खाने की जगह ऐसे खाना स्टार्ट करता है. तो डोंट डू दैट एंड मेक श्योर यू डोंट डू दिस मिस्टेक. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 200 यूनिट्स दिया हुआ है 1000, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 20 यूनिट्स दिया हुआ है 200 एंड फिक्स्ड कॉस्ट एट 20 यूनिट्स ढूंढना है. अभी ध्यान रखना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड आउट फिक्स्ड कॉस्ट एट 200 यूनिट्स वेरी इजीली. कैसे ढूंढोगे, 200 यूनिट्स इनटू 1000 यूनिट्स इनटू 200 यूनिट्स इनटू 1000, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 2 लाख. तो 2 लाख विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट एट 200 यूनिट और यही कॉस्ट तुम्हारा 20 यूनिट्स पे भी रहेगा. क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है ना कि वेरिएबल और टोटल. तो इसीलिए ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर आएगा 2 लाख विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट लास्ट सम. इतने इजी रहते, बहुत चिंदी चिंदी रहते, बहुत फास्ट सॉल्व होते हैं. चलो, फिक्स्ड कॉस्ट एट 200 यूनिट्स इज 5000, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 200 यूनिट्स पे 200 एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढना है 200 यूनिट पे. अभी ध्यान रखना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढना है वेरी वेरी इजी. एवरेज के लिए तुमको फिक्स्ड कॉस्ट पता होना चाहिए एंड नंबर ऑफ यूनिट्स पता होना चाहिए. क्या तुमको दोनों पता है, यस. यू ऑलरेडी नो फिक्स्ड कॉस्ट एज 1000, यू ऑलरेडी नो नंबर ऑफ यूनिट्स एज 200, सो यू कैन गेट द आंसर ऑफ 25 एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 200 यूनिट्स. आई होप
यू आर क्लियर विथ ऑल द सम्स एंड यू हैव सॉल्व इट प्रॉपरली. सारे चीजों को बीच बीच में पॉज कर देना, यू ऑलरेडी हैव दिस वीडियो, तो तुम किसी भी सेकेंड पे पॉज करके सारी चीजें लिख सकते हो. तो इसने इतने वेरी वेरी इजी सम्स आते हैं, टेंशन नहीं है बहुत. बस तुमको पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या है एंड किससे क्या होने वाला. क्लियर? चलो ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट रन एवरेज कर्व्स. अब अपन जाने वाले हैं लॉन्ग रन एवरेज कर्व पे, विच इज वेरी वेरी इजी, 5 मिनट्स एंड देन वी आर डन. ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रोडक्शन के टाइम पे लॉन्ग रन देखा था, वी हैव सीन कि ऐसा वाला जो कर्व होता है, डिमिनिशिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेबल रिटर्न या कॉन्स्टेंट रिटर्न हमने बोला था, एंड यहाँ पे हमने बोला था डिमिनिशिंग रिटर्न्स. यस राइट. तो ये क्या था, ये था तुम्हारा एवरेज लॉन्ग रन कर्व, जब कब का एवरेज कर्व, और वो भी प्रोडक्शन थ्योरी के टाइम पे. अब हम क्या देखने वाले हैं लॉन्ग रन में, जो तुम्हारा कर्व होने वाला है, कॉस्ट कर्व, वो कैसे होगा लॉन्ग रन में. तो लॉन्ग रन में कैसे आएगा, देखो लॉन्ग रन में, देखो लॉन्ग रन जो होता है ना, वो शॉर्ट रन से कंप्राइज होता है. यानी कि क्या, बहुत सारे शॉर्ट रन कर्व्स जब साथ में आएंगे, और इसे जब कोई कर्व टेंजेंशियली कट करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. यानी कि क्या, देखो कोई भी बंदा है, बीइंग अ बिजनेसमैन, देखो बहुत सिंपल है, तुम्हारे बेसिस पे समझते. अब किसी बंदे को कोई उसकी गर्लफ्रेंड, अभी कोई बंदी पसंद है, ठीक है. अब किसी किसी को मॉडर्न लड़की पसंद आ सकती है, किसी को ट्रेडिशनल थॉट वाली पसंद आ सकती है, किसी को झांसी की रानी पसंद आ सकती है, या किसी को गुस्से वाली पसंद आ सकती है, किसी को बहुत बच्चों जैसी बंदी है वो पसंद आ सकती है. किसी का, हर एक का अपना अपना चॉइस है, जिसको जैसी बंदी पसंद आ सकती है वैसे आ सकती है. तो अब क्या है, एक बंदे के पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, एक बंदे के पास बहुत सारे चॉइसेस है, किसी को कुछ पसंद आ सकता है, किसी को कुछ. सेम वे में अब बीइंग अ बिजनेसमैन सोचो, मैंने जो कितना प्रोडक्शन करना है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये डिसाइड किया जाएगा कि मेरे पास शॉर्ट रन में बहुत सारे शॉर्ट रन कर्व्स क्रिएट होने वाले हैं, एंड ये जो शॉर्ट रन कर्व्स जो है, ये सारे शॉर्ट रन कर्व्स क्या है, मेरे एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व्स है. व्हाई एवरेज टोटल कॉस्ट, बिकॉज वी नीड टू कंसिडर टोटल कॉस्ट यहाँ पे. व्हाई टोटल कॉस्ट, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉन्ग रन में ना सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते, तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होता है. वेरिएबल फैक्टर्स होने की वजह से मैम, फिर हमने तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व लेना चाहिए था. व्हाई वी आर कंसीडरिंग एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, ध्यान देना, ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है तुम्हारे माइंड में, आई एम श्योर कि तुम लोगों ने नहीं सोचा होगा. व्हाई, बिकॉज देखो एवरेज टोटल कॉस्ट विल बी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. वी आर इन लॉन्ग रन, तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कुछ है नहीं. व्हाई, बिकॉज वी डोंट हैव एनी फिक्स्ड वेरिएबल, वी हैव ऑल द वेरिएबल, मतलब फिक्स्ड ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास. हमारे पास क्या है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है. वेरिएबल, सारे फैक्टर्स जो है हमारे वेरिएबल है, तो वेरिएबल अगर सारे फैक्टर्स होंगे तो हमारा कॉस्ट भी वेरिएबल ही होगा. देयरफॉर एटीसी इक्वल टू एवीसी, एंड दैट्स व्हाई दिस इज यू शेप्ड कर्व व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व. इज दिस क्लियर? तो ये जो कर्व है, ये सारे शॉर्ट रन है. अब ये शॉर्ट रन, इसी शॉर्ट रन जो कर्व्स है, अब ध्यान देना, कोई बंदा है जो यहां पे अगर यहां पे अगर प्रोडक्शन करना चाहता है, तो देखो यहां पे इससे कम कॉस्ट है, इस पॉइंट पे और कम है, इस पॉइंट पे और कम है, अब इंक्रीजिंग होते जा रहा है. तो कहां पे प्रोडक्शन किया जाएगा लॉन्ग रन में, वहां पे जहां पे तुम्हारा जो लॉन्ग रन कर्व होगा, दैट विल बी एट इट लोएस्ट, वहां पे तुम क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे. इसी कर्व को प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं, या फिर एनवेलप कर्व, एनवेलप कर्व भी बोलते हैं. वाई, बिकॉज इट्स लाइक एन एनवेलप, इसीलिए उसे बहुत सारे शॉर्ट रन कर्व मिलाने के बाद बनता है ये लॉन्ग रन कर्व. आई होप यू आर क्लियर विद द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व एज वेल. सो वी हैव सीन ऑल द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, नाउ वी हैव सीन द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व एज वेल. तो इसी के साथ हमारा ये जो यूनिट है, ये यहीं पे खत्म होने वाला है. ये सारे कंसेप्ट दोबारा रिपीट होंगे जब हम मार्केट चैप्टर को समझेंगे, थोड़ा सा जब हम प्राइस डिटर्मिनेशन समझेंगे डिफरेंट मार्केट्स का, उस टाइम पे ये सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे. तो मेक श्योर दैट यू आर वेरी 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 क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे खत्म करने वाले हैं. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.